हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिशा पब्लिकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज रुद्र गौतम एंड टुडे वी विल डिस्कस पार्ट फिफ्थ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जीन एडिटिंग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीन क्या होते हैं, जीनोम क्या होते हैं और साथ ही साथ डीएनए एटसेट्रा, उन सब पर बात की थी। आज हम लोग अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जीन एडिटिंग के बारे में, और बहुत अलग अलग प्रकार के जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडीजेन प्रोजेक्ट, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो जीन एडिटिंग है, इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन है या एबनॉर्मल जीन है जो किसी कारण से जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो जेनेटिक उत्परिवर्तन है उसके कारण हो सकते हैं या तो इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायलेट रेजेस, है ना, या फिर कई बार क्या होता है सोनोग्राफी जहां पर होती है एक्सरेज किडने, या फिर एनवायरमेंटल कॉज के कारण क्या होता है जो जीनोम में जेनेटिक स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आ जाता है और डिफॉर्म हो जाता है, वो पर्टिकुलर पार्ट जो है एक पर्टिकुलर डिजीज का कारण बन जाता है। और यदि उन्हें समय रहते, मतलब जन्म से पूर्व ही ठीक कर दिया जाए तो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही है जीन एडिटिंग। सो व्हाट इज जीन एडिटिंग? बेसिकली जीन एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसेबलिंग फॉल्टी जीन। फॉल्टी ऐसा नहीं है पूरा पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर फॉल्टी होगा, पर्टिकुलर कोई पार्ट, जैसे यहां पर बताया जीन वन, जीन टू, जीन थ्री, यहां पर पर्टिकुलरली ये पार्ट फॉल्टी है, तो इनको क्या किया जाता है, एंजाइम्स की मदद से, जो जेनेटिक सिजर्स होती हैं, सिजर्स का मतलब कैंची, उसकी मदद से इनको कट कर दिया जाता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और फिर क्या किया जाता है, जो हेल्दी जेनेटिक पार्ट है उसी का कॉम्बिनेशन, उसको यहां पर पेस्ट कर दिया जाता है। कुल मिला के कॉपी पेस्ट वाली प्रक्रिया यहां पर होती है। तो मिसिंग जीन जो चेंज हो जाता है, उस स्पेसिफिक जीन को जो है हम वहां से उसमें परिवर्तन लाकर एडिटिंग करके और रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। दिस एमेलियोरेशन, यही क्या है, जेनेटिक एडिटिंग कहलाता है, जीन एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, डिलीट कर दिया, क्रोमोसोमल एबरेशन है, किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, नेगेटिव, तो उनको रोका जा सकता है। इसमें हम लोग बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब है कि हमारे जो लंग्स हैं, आते हैं, म्यूकस होता है इनमें, नोज में म्यूकस होता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का जो रोग है, डिजीज है, यहां पर आपको इंग्लिश में भी है कंटेंट, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या करता है, स्लिपरी म्यूकस बिकेम स्लिपरी, तो म्यूकस तो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म है, ह्यूमन फंक्शंस है, वो इंपैक्ट होंगे। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का अल्प रक्तता है, मतलब खून की कमी। सिकल सेल का मतलब हसियाकार, जैसे हसिया होता है और सिकल, तो उस प्रकार का, और वो ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता उन आरबीसीज की कम होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है मांसपेशियों में जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो ऊर्जा बनाए रखने का काम करता है, उस प्रोटीन का जो है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो ये पर्टिकुलरली जो अलग अलग प्रकार की जेनेटिक डिजीज हैं, राइट, उन्हें जीन एडिटिंग की मदद से रोका जा सकता है। इवन जेनेटिक एडिटिंग को हम लोग इम्यून सेल्स के को भी पावरफुल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैंसर से लड़ने वाली, यदि हमें पता है कि पर्टिकुलर कौन सा कैंसर फोर फादर्स में, उनकी पहले की पीढ़ियों में, हेरिडिटी में दिखा है, तो उससे रिलेटेड जेनेटिक एडिटिंग करके हम परिवर्तन ला सकते हैं। एचआईवी के केसेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि टी फोर लिम्फोसाइट, राइट, ये क्या होती है, यही वो लिम्फोसाइट है, पांच प्रकार के जो WBC है उसका जो टी फोर है, यह टी फोर जो लिम्फोसाइट है ये खत्म हो जाती है, और इस कारण एचआईवी एक सिंड्रोम के रूप में, अलग अलग रोग, इम्यूनिटी पूरी जीरो हो जाती है। तो इन सभी को, इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह को हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक एडिटिंग करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इवन प्लांट्स, क्रॉप्स इत्यादि में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं,
और यही जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जीन थेरेपी में, बिल्डिंग ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स में, ठीक है, ड्रग्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सभी में ये जेनेटिक एडिटिंग जो है वो बहुत मदद करती है। डिजाइनर बेबी का नाम आपने सुना होगा, और डिजाइनर बेबी में भी क्या किया जाता है, एडवांस फीचर्स को एड ऑन कर दिया जाता है, इज इट क्लियर। और इन विवो जीन एडिटिंग हाल ही में चर्चा में भी आया था, जिसमें जो हंटर सिंड्रोम है, हंटर सिंड्रोम पर्टिकुलरली एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह, तो हंटर सिंड्रोम बहुत रेयर सिंड्रोम है, लेकिन यह भी क्या है, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण, जीन के एबनॉर्मल हो जाने के कारण, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इस प्रकार के जो रोग होते हैं, तो उससे भी हमने क्या किया है, इन विवो का मतलब जो पेट्री डिश होती है, विवो का मतलब है, हमेशा याद रखना, कांच, विवो जहां भी शब्द आ जाए इसका मतलब है कांच, ठीक है, तो इसका मतलब परख नली में हंटर नाम के सिंड्रोम को रोका जा सकता है, इज इट क्लियर। तो हंटर सिंड्रोम को हमने, और इसमें जो हमने टेक्निक यूज किया वो था जिंक फिंगर न्यूक्लियस, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं उनको हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, राइट, और इसकी मदद से क्या करा जाता है, देखिए क्रिस्पर कैस 9 जो एंजाइम है जिसका आपने बहुत ज्यादा नाम सुना है, जिसे जेनेटिक सीजर भी कहते हैं, उससे तो उस पार्ट को कट कर लिया जाता है, और जिंक फिंगर न्यूक्लियस की मदद से जो करेक्टिव पार्ट है उसको पेशेंट में का जो डीएनए है उसके अंदर एडिट कर दिया जाता है और इसको खत्म कर दिया जाता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी में इस प्रकार के रोग डिजीज ना दिखे। तो यहां पर एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक दैट इज क्रिस्पर कैस 9, ये एक प्रकार का एंजाइम है, 2012 में खोजा गया, और इनके जो रिसर्च जिन्होंने खोजा था, 2 फीमेल, उनमें से एक फीमेल ने एडवांस रिसर्च दिया था, 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म है क्रिस्पर का, दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, तो ये क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स आर लाइक दिस, 1 3 5 7 5 3 1, आप आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, एक जैसे दिखाई देंगे। इसी प्रकार से डीएनए के अंदर जो ATGC जो बेस पेयर है, नाइट्रोजनी बेस पेयर, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो इनका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर में। तो ये जेनेटिक सीजर के रूप में काम करती है, और क्रिस्पर जो है एक कॉपी है किसकी, ये नेचुरल प्रोसेस से प्राप्त की जाती है, वायरस इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियम, जो वायरस किस प्रकार से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वहां से ये एक एंजाइम लिया गया है, और वहां से देखा गया कि ये तो डीएनए को भी आसानी से एक्यूरेसी के साथ काट सकता है, और ब्रेक कट कर दिया उसके बाद में जिंक, राइट, यहां पर आपको जो टेक्निक बताई थी जिंक फिंगर न्यूक्लियस टेक्निक, इस टेक्निक की मदद से क्या किया जाएगा, जो सही या राइट फॉर्म ऑफ डीएनए है उसको यहां पर एड कर दिया जाएगा, इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्रिस्पर कैस 9, ये एक एंजाइम है, जेनेटिक सीजर के रूप में जाना जाता है ना, राइट, इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू आर नॉट, सब कुछ चीज क्लियर है, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है ना, चलिए बिल्कुल सही चल रहा है, चलिए तो यहां पर हम लोग और बात कर लेते हैं। दूसरा है टेलेन, इसमें ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ये सब एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया। जिंक फिगर न्यूक्लियस, ये वो जो राइट पार्ट है उसको एड करने में मदद करता है, और इसी प्रकार से होमिंग एंडोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस भी एडिटिंग का काम करता है, मेगा न्यूक्लियसिस, ठीक है, तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं यहां पर आपको दिया गया है, मेगा न्यूक्लियसिस से, जिंक फिंगर न्यूक्लियस से, टेलेन से, और क्रिस्पर कैस 9, ये वो टेक्निक है। इसमें फिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे अच्छे जो बात करें तो क्रिस्पर कैस 9, और इसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और इस एंजाइम की मदद से एसोसिएटेड प्रोटीन 9, इससे हम लोग क्या करते हैं, कट कर सकते हैं पार्ट को, इज इट क्लियर।
अब आने वाले समय में देखेंगे कि जो मॉस्किटोज है, मलेरिया के मच्छर, उनमें कुछ ऐसी टेक्निक पैदा कर दी जाए। आपको ये बात तो पता है कि मेल बाइट करता है या फीमेल बाइट करती है मॉस्किटोज में, हमेशा फीमेल, क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं, इसलिए उसको रक्त चाहिए होता है। बाइटिंग का भी जो प्रोसेस है वो फीमेल के पास है, मेल जो है वो तो फलों का रस चूसकर भी काम चला लेता है। ठीक है, तो यहां पर मलेरिया के पूरे मच्छर की आबादी को मिटाने की बात की जा रही है, पूरा पूरा होल। तो इसमें क्या किया जाएगा, जीन ड्राइव इनहेरिटेंस किया जाता है। तो यहां पर अल्टर्ड जीन डज नॉट स्प्रेड, अल्टर्ड जीन इज ऑलमोस्ट इनहेरिटेड। देखिए क्या होता है, नॉर्मल इनहेरिटेंस में तो क्या होगा कि पर्टिकुलरली कुछ ही स्पीशीज में जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए पूरी टेक्निक बताई गई है आपको कि क्रिस्पर जीन ड्राइव की मदद से जो मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज है, जो कि कौन है, फीमेल मादा है ना, फ्लीज जिसे हम लोग कहते हैं, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो ट्रेट्स है, प्रॉपर्टीज, उनको परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, और उनके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो बच्चे हैं, उनमें परमानेंटली क्या होगा, ना तो वो काट पाएंगे, बाइट कर पाएंगे, ना ही वो अंडे दे पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, मान लीजिए मेल फीमेल है, तो मेल की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फीमेल में आया और आगे से आगे आने वाली जो फीमेल है उन सब में ये सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है कि हम, और ये सब ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, दुनिया के अलग अलग देश चला रहे हैं, मलेरिया से बहुत ज्यादा मृत्यु होती है, स्पेशली इन अफ्रीका। तो इस प्रकार से जेनेटिक जो जीन ड्राइव है, टेक्नोलॉजी है, वो एक बड़ी आबादी को जो है स्टरलाइज करने में, उनके पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए हमारे जो फेनोटाइप जेनोटाइप हैं उनमें हमारे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहीं पर भी साइलेंट कर सकते हैं, है ना, जीन साइलेंसिंग कहते हैं इसे। तो ये अपने आप में एक प्रकार की जीन साइलेंसिंग टेक्निक है, जिसमें मॉस्किटो का क्या किया जाएगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये कैसे काम करता है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जो डिजाइन की गई है वो जेनेटिक ट्वीक की मदद लेकर जो पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज हैं उनको बाय अल्टरिंग द रूल ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो अल्टरिंग मतलब आगे से आगे क्या होगा, इस प्रकार से जेनेटिक सीक्वेंस पैदा हो कि जो शुरुआती जो बच्चे हैं उनमें इस प्रकार का ये फीचर्स, और जब वो अपने आप में जो जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें वो इनहेरिट होता जाएगा। और इस प्रकार से क्रिस्पर कैस नाइन टेक्निक की मदद से जीन ड्राइव किया जाता है, और जब दोनों कॉपीज को, दो कॉपीज अलग अलग मॉस्किटोज हैं, मेल में भी वो कॉपी आ जाएगी, फीमेल में भी वो कॉपी आ गई, राइट, किसी एक मॉस्किटो में डाला, उसके बाद मेल में फीमेल में दोनों में एक एक जीन आ गया, तो आने वाली पीढ़ी में दोनों के अंदर वो जेनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। फाइनली ये दोनों जो टू कॉपीज हैं वो डिसरप्ट कर देंगी जीन को, और इस प्रकार से क्या है, जब भी कोई मेल, लाइक जिस प्रकार से मेल मॉस्किटो होता है उसी प्रकार से फीमेल भी अनेबल टू बाइट एंड वो अंडे नहीं दे पाएगी। सो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ जीन ड्राइव, और जेनेटिक जीन साइलेंसिंग भी यही होता है कि किसी पर्टिकुलर फीचर्स को दबा दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से हम लोग जीएम क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स भी तैयार करते हैं, और ट्रांसजेनिक क्रॉप है ना, तो ये ट्रांस बीटी, ठीक है, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस की मदद से बीटी क्रॉप, आपने बहुत नाम सुना होगा, बीटी क्रॉप में बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, बीटी मेज है। अब तक हमें, हमने जो है कॉटन को तो अलाउ किया है, लेकिन जो खाद्य फसलें हैं उनमें ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस वाला जो प्रोसेस है उसको अभी तक हम लोग यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना ना होके मान लीजिए मानव में उस जेनेटिक सीक्वेंस के जो हम लोग खाद्यान्न खाएंगे, जैसे फॉर मेज एग्जाम्पल मक्का, ब्रिंजल, बैंगन, वो हमारे शरीर के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस देखा जाए तो ये बहुत दिक्कत है, लेकिन ब्रिंजल में आपने देखा होगा पूरा ब्लैक पार्ट हो जाता है, और उसमें जो है बॉलवर्म नाम के जो कीट है, जैसे कॉटन में लगते हैं, तो उस प्रकार के कीट जो है ये पूरी की पूरी फसल को, मक्का की, बैंगन की फसल को तबाह कर देते हैं। तो उनको रोकने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो जीएम क्रॉप बहुत अच्छी है,
लेकिन खाद्यान्न के तौर पे, सेरियल्स के तौर पे यदि हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट विल कॉज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट. इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देते हैं. इससे क्रॉप की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं. आप लोग बायो फोर्टिफाइड राइस के बारे में आजकल सुन रहे होंगे. हाल ही में पीएम मोदी ने 15 अगस्त को बोला है कि जितने भी मिड डे मील्स प्रोग्राम वगैरह हैं, राशन कार्ड की शॉप्स हैं, आने वाले समय में सभी को बायो फोर्टिफाइड राइस ही मिलेगा 2024 तक. तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये बायो फोर्टिफाइड राइस बना रही है. सो इंक्रीज न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड क्रॉप, एबायोटिक स्ट्रेस लाइक टेम्परेचर सेलिनिटी. तो आपने ये भी सुना होगा कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप आ रही है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट क्रॉप आ रही है. इन सब में क्या किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है. कुछ तो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, राइट? हर्बिसाइड का मतलब जो आसपास जो खरपतवार उग जाती है वो नहीं होगी, हर्बिसाइड टॉलरेंट. तो इस प्रकार से बीटी कॉटन को हमने 2002 में एक्सेप्ट कर लिया था. आपको याद आ रहा होगा मॉन्सेंटो नाम की कंपनी थी अमेरिका की, उसने ये कॉन्सेप्ट लाया और भारत में महाराष्ट्र से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में आज की तारीख में बीटी कॉटन हो रहा है. जो बोलवम नाम का जो कीट है, मतलब ये हुआ कि जो कॉटन की जो क्रॉप है उसमें जो बोलवम कॉटन की जो क्रॉप है उसमें जो बोलवम नाम का कीट है जो पूरा खत्म कर देता है. एक्चुअल में बीटी के पर्टिकुलर जो जीन्स हैं, बैसिलस थ्यूरेंजेसिस नाम का जो जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरिया, वो जीवाणु क्या करता है, जब भी कभी बोलवम नाम का कीट आएगा तो वो प्रतिरोधी रेजिस्ट फील करता है, क्योंकि अब कॉटन के साथ में एक स्पेशल जीन किसका ऐड किया गया है, बीटी का. इज इट क्लियर? तो यही जो है वो है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक फसलें भी इन्हें कहते हैं, तो इनको मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट देर ऑफ आर रेगुलेटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ऐसा ना हो एनवायरमेंट को बहुत बड़ा डिजास्टर हो. यहां पर हमने कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है उसको भी साइन किया हुआ है. ये रिलेटेड है बायोसेफ्टी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड. और हमने जो एनवायरमेंटल ईपीए जो अमेरिका में है, ईपीए के रूल को भी हम लोग फॉलो करते हैं, राइट? तो एनवायरमेंटल प्रिवेंशन एजेंसी जो है, तो उसके तहत हम क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं. और जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, इनको पूरी तरह से क्या है, एक नियमबद्ध मतलब प्रोटोकॉल के तहत हम लोग प्रोसेस करते हैं. और हम उसमें हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का भी ध्यान रखते हैं. आपके लिए एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो जीएम क्रॉप होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, उनको अप्रूवल कौन देने का काम करता है? तो उस बॉडी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर, और ये किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, GEAC. जरूर याद रखेंगे GEAC, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चर्चा में आती है. इस पर आप लोग एक शॉर्ट नोट जरूर लिख दीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी. और यही जो भी ट्रायल्स हैं वो सब होने के बाद में, एनवायरमेंटल सारा प्रोसेस देखने के बाद में कोई इंपैक्ट नहीं है तब ये अलाउ करते हैं. जीएम क्रॉप को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है. और जो फूड वाली बात है, जो फूड है उसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जो फासाई है, FSSAI, है ना, जितने भी आप प्रोसेस्ड आइटम देखते हैं, राइट, उन सभी में आपको फासाई का टैग मार्क मिलेगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन सेल जीएम क्रॉप की कौन किसके अंडर में है, फासाई के. और इन सबको अप्रूव देने का काम ट्रायल वगैरह कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए अलाउ करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो ये MOEFCC के अंडर में आती है. भारत में सबसे पहली बार बीटी कॉटन जो है 2002 में अप्लाई अलाउ कर दी गई थी. और जो पिंक बॉलवर्म नाम का जो कीट है उसको, उस पेस्ट को रोकने के लिए यहां पर बीटी कॉटन में CRY1AB और CRY2BC इस जीन को, जो कि एक प्रकार का सॉइल बैक्टीरियम है, तो
यहां पर क्या किया जाता है, देखिए पिंक बॉलवर्म नाम का जो पेस्ट है, मतलब जो कीट है, इसको रोकने के लिए कि ये पूरी फसल को खराब ना कर दे, इसलिए जो एक सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, जिससे ये बॉलवर्म प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्सिव फील करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, इसको उस जीन के साथ, अब कॉटन के अंदर एक जीन ऐसा है जो इसका भाग है और साइंटिस्ट ने तो रिसर्च कर ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो अपने घरों में मॉस्किटो कॉइल्स या मॉस्किटो रिफिल्स वगैरह लगाते हैं, तो वो हाईली रिसर्च केमिकल है जिससे मॉस्किटोज रेजिस्ट करते हैं, दूर भागते हैं। तो कुछ इसी तरह का जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ही कॉटन में कर दिया गया, और ये मॉन्सेंटो नाम की कंपनी, और समय समय पे क्या होता है वो कीट इसका आदि होने लगता है, हैबिचुअल होने लगता है। जैसे आपने कई बार ये सुना होगा MDR, आपने MDR टर्म जरूर सुनी होगी, आपने XDR भी सुनी होगी, किससे रिलेटेड है बताइए, ये दोनों टर्म्स किससे रिलेटेड है, कैन यू गैस? यस, इट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आदि हो जाता है, वैसे ये कीट कुछ समय में आदि हो जाएंगे। तो नए नए परिवर्तन करके मॉन्सेंटो कंपनी, इसने अपने पेटेंट वगैरह राइट्स ले रखे हैं, और ये इस प्रकार से क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बीटी कॉटन, जो कि बहुत हद तक अलाउ नहीं की गई है, लेकिन इसमें जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जीन का, देखिए सभी जीन के अपने नाम साइंटिफिकली दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा जीन है, आपको यह भी पता होगा हमारे क्रोमोसोम्स में भी पर्टिकुलर कोई जीन का पर्टिकुलर कोई पार्ट में डिफेक्ट है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। सो यहां पर क्या है, फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, इसका जो CP4 EPSPS ये जो जीन है, ये काम करता है पूरी तरह से HTBT कॉटन में, और हर्बिसाइड टॉलरेंट बन जाती है। इज इट क्लियर? तो ये इट इज नॉट अलाउड टू बी कल्टिवेटेड इन इंडिया, जैसा कि मैं बोल रहा था अभी तक इसको अलाउ नहीं किया गया। तो बीटी ब्रिंजल जो है, यहां पर भी बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस के जीन को इंसर्ट करके, और जो इंसेक्ट है ये जीन क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है उस इंसेक्ट के, जो ब्रिंजल को खराब करता है। लेकिन सिंस 2010 देयर इज नो इनडेफिनेट मोराटोरियम ऑन कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ बीटी ब्रिंजलिन, तो हमेशा से मोराटोरियम का मतलब टालते रहे हैं, इनडेफिनेट मोराटोरियम। मोराटोरियम आपने सुना होगा, अभी हाल ही में पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने भी जो कुछ लोगों ने लोन लिए हुए थे उनको टालने का प्रोसेस, कि भाई आप बाद में दे देना, दैट वाज अ मोराटोरियम। इज इट क्लियर? भारत में ये सब तो बात हुई जेनेटिक क्रॉप्स इत्यादि के बारे में, जीन एडिटिंग के बारे में। अब भारत के अंदर अपनी सेल रजिस्ट्री, स्टेम सेल रजिस्ट्री है, तो भारत की खुद की अपनी राष्ट्रीय स्टेम सेल रजिस्ट्री विकसित की है, जहां पर हम लोग क्या है, देखिए एक तो है कि हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का प्रयोग करें, एक होता है कि हम लोग जो है कॉर्ड ब्लड, या फिर जो हमारा बोन मैरो है, तो बोन मैरो जब डोनर को हम लोग तलाशेंगे तो सबसे पहले मैचिंग भी तो होनी चाहिए, वो ब्लड रिलेशन में ही काम करेगा। इज इट क्लियर? तो ब्लड कैंसर होता है जब भी लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, राइट, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब रक्त से रिलेटेड जो विकार हैं, इन सभी रोगों को ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया है, एक नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री बनाई है। और यदि किसी प्रकार का ऐसा कोई केस आता है तो इंडिया की खुद की डेवलपिंग इट्स ओन नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री, और वहां पर इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब लोग आसानी से वहां जाएंगे और उनका टेस्ट करवा के कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, तो वो प्रेफरेबली ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स है ना, उनका सबसे ज्यादा सही रहता है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस जो है वो अपने आप में वॉलंटरी है, तो जो बहुत एडवांस लोग हैं वो जरूर वॉलंटियरली स्वेच्छा से ये सब करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्ड ब्लड जो होता है, कॉर्ड जो है एम्बिलिकल कॉर्ड, उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। उसी प्रकार से भारत में बहुत बड़े स्तर पर थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक रोग है, रक्त का विकार है, राइट, और इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम बन पाता है, और इसके कारण क्या है रक्ताल्पता रहती है। तो यहां पर थैलेसीमिया जो रोग है या तो उससे मृत्यु हो जाएगी, अदरवाइज ब्लड ट्रांसप्लांटेशन करके, बोन मैरो का प्रयोग करके, और जो प्रॉपर डोनर मिल जाए, तो सटीक यदि स्टेम सेल और इनका प्रयोग कर लिया जाए तो वाकई में यहां पर कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है।
सो मैचिंग ऑफ डोनर इज एक्सट्रीमली लो और इसीलिए डेटाबेस विल हेल्प टू कनेक्ट अनरिलेटेड मैचिंग डोनर्स. तो यहां पर क्या है, मैचिंग इतना आसान नहीं होता है. सिबलिंग्स यूजुअली हैव एग्जैक्ट मैच एंड दस सूटेबल फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. और जो थैलेसीमिया रोग है, यहां पर इसको रोकने के लिए भारत में देख लीजिए 3.5 से 5 लाख लोग थैलेसीमिया के शिकार होते हैं. और ठीक है, तो इतने लोग हैं, सफर कर रहे हैं अभी. इसी प्रकार से हमने समय समय पर बहुत अलग अलग प्रकार के बायो बैंक्स बनाए हैं, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बायो स्पेसिमेंस रिलेटेड डेटा है ना, एकेडमिक एंड क्लिनिकल यूज के लिए, ताकि क्या हो सके, बायो बैंकिंग की मदद से ये पता चल सके. अंगों के ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ये मदद करता है, डीएनए आरएनए टिश्यू प्रोटीन, ठीक है, पर्टिकुलर कोई डिजीज है तो बायो बैंक क्या होते हैं, पूरा सैंपल रखते हैं और उससे क्या होता है, बायो रिपोजिटरी इनके पास होती है, कंप्लीट बायो रिपोजिटरी, जिससे क्या हो कि लेबोरेटरी वगैरह में टेस्ट करके और बायो बैंकिंग की मदद से किसी को भी जो है यदि किसी इमरजेंसी है तो बायो बैंक की मदद से क्या किया जा सकता है, डीएनए आरएनए टिश्यू एटसेट्रा. जो बायो स्पेसिमेन क्या होता है, पर्टिकुलरली स्पेसिफाई है, स्पेसिमेन का मतलब पर्टिकुलरली किसी चीज में उनको प्रयुक्त किया जा सकता है. तो इस प्रकार से बायो बैंक अपना काम करते हैं. भारत में जो बायो बैंक की बात करें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भारत में नेशनल लेवल पे हैं, जिसमें आईसीएआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो यहां पर देखिए, एक तो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हरियाणा में है, ठीक है, आईसीएआर. और ये जो एनिमल है जैसे बफेलो शीप इत्यादि, ICAR की ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये फ्लोरा से संबंधित है, ये फौना से संबंधित है. फिश जेनेटिक्स से रिलेटेड कहाँ है, लखनऊ में. पूसा कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है. ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, उत्तर प्रदेश में है. ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है वो बेंगलुरु में. नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, कोशिका का जो साइंसेज है वो पुणे में. ये कई बार क्या होता है, मैच करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं. टाटा ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर बायोबैंक, ये कोलकाता में लोकेटेड है. वैसे टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर वो मुंबई में है. नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक, कैंसर टिश्यू बैंक जो है आईआईटी मद्रास में है. एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, ये मुंबई में है. ब्रेन रिसर्च कहाँ पर है, मानेसर में है. CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ये बेंगलुरु में है. नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी कोढ़ रोग एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस, उन सबको रोकने के लिए जो है. तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो यहां पर काम करते हैं. अब देखिए, मैं वैसे आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी ब्रीफ में बात कर लेते हैं. 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वैसे 1988 में पास हो गया था एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा. जैव प्रौद्योगिकी का ये पूरा सिस्टम था, जिसमें बिलियंस ऑफ जो बेस पेयर्स हैं 1990 से 2003 तक, मैं आपको बहुत प्रॉपर इमेज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या था उस पर डिटेल में बात करेंगे. तो यहां पर प्राकृतिक और रोगग्रस्त अवस्था में जो इतने सारे लोग हैं, उन सबका एक जेनेटिक पूरा स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन जीनोम जो एटलस बनाया गया, मानव एटलस की पहल की गई, ठीक है. तो रोगग्रस्त अवस्था में उसको पकड़ा जाए, तो ये है ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, ये ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है. जबकि एक जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1988 से स्टार्ट करने की बात थी, मतलब फाइनल हो गया था. और 1990 से 2003 तक इन्होंने बहुत से कंक्लूजन निकाले. और इस सब का जो उद्देश्य था वो क्या था, कि बायोलॉजिकल इंसाइट हो जाए मानव की फिजियोलॉजी किस प्रकार की, उसका फिजिकल जो टिश्यूज जो है किस प्रकार मूव करते हैं, और अंदर के कौन कौन से ऐसे डीएनए जीन्स हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स को निर्माण करते हैं. जैसे हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखा कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन, उसके कारण क्या होता है, एनर्जी मांसपेशियों में नहीं रहती है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टिश्यू एंड सेल लिंक्ड वेरियस डिजीज, तो इससे क्या होता है, टिश्यू और सेल से लिंक जो वेरियस डिजीजेस हैं उनका पता चल पाता है. और साथ ही साथ में प्रेडिक्टिव कंप्यूटिंग, ड्रग डिस्कवरी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव कंप्यूटिंग की मदद से जो आगे आने वाले समय में हो सकता है डिजीज
जनरेट हो सकती है पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग में, उन सबका पूरा एटलस, ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव तैयार किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के द्वारा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो था बाय यूएसए, इज इट क्लियर, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और भारत में इसी प्रकार से और भी इनिशिएटिव है जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और यहां पर क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग की ये पूरी एक परियोजना थी, और यहां पर बायोसाइंस मिशन फॉर प्रेसीजन हेल्थ एंड ऑप्टिमल वेलबींग। तो यहां पर कुछ लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया और इंडियन कंडीशन, भारत की जो विविधता है उसके आधार पर स्टडी किया गया। अब यदि कोई जीनोम प्रोजेक्ट यदि अमेरिका का है तो वो भारत से काफी हद तक अलग होगा, यस और नो, और हमें बहुत सारे नए कैलकुलेशन मिले। हम लोग जितने भी दुनिया के देश ये सब रिसर्च कर रहे हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बहुत से कंक्लूजंस का भी यूज करते हैं इसमें, इज इट क्लियर। सो जीनोम सीक्वेंस जो है एक कंबाइंड इनिशिएटिव है, किस किस का भाई, जीनोम सीक्वेंसिंग जो ये इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, इन सबका एक सामूहिक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं प्रीलिम्स में जरूर पूछे जाते हैं कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को एक्चुअल में संचालित कौन कर रहा है। दिस इनिशिएटिव, ये जो है सीक्वेंस, जीनोम के पूरे सीक्वेंस का ट्रैक का पता चल जाए, एक जैसे हमने एटलस की बात की थी, तो बहुत सारी डिजीज वगैरह के रिसर्च और इनिशिएटिव में हम लोग रेयर डिजीज है उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसी प्रकार के जो प्रयास हैं, ब्रिटेन ने भी अपना सेपरेट चलाया था, जीनोमिक्स इंग्लैंड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 100,000 वहां के जो लोग थे उनके जीनोम प्रोजेक्ट चलाया। इसी प्रकार से साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जिसमें से 50,000 इंडियंस और टोटल एशिया के 100,000 जीनोम का स्टडी किया गया, क्योंकि यहाँ की जो रेसेस होती है अलग अलग प्रकार की रेसेस में अलग अलग प्रकार के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इज इट क्लियर। एक और पहल भारत के द्वारा की गई थी, दैट वाज इंडिजिन, जिसको बोलते हैं इंडिजिन इनिशिएटिव, स्वदेशी पहल। और इसमें क्या किया गया कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके 1000 अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव जो ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर हमको बहुत हद तक नहीं पता है और उनमें जो डिजीज होती है वो सीधा उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें क्या है अलग अलग प्रकार के ट्राइबल्स का और जो है उन लोगों का जो जो है यहां पर ओवरऑल एक ओवरऑल इंपैक्ट क्रिएट कर सके कि ओवरऑल भारत के जो अलग अलग प्रकार की वैरायटीज हैं उनका रिसर्च हो सके। तो ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा एक्सेलरेट किया गया, और ये प्रेसीजन हेल्थ ऑप्टिमल वेलबींग जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। इंडिजन विल गो लॉन्ग वे टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेसीजन मेडिसिन, प्रेसीजन का मतलब कि टारगेटेड मेडिसिन पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या होनी चाहिए, तो वो यहां पर जनरेट किया जा सकेगा, ये है इंडिजन। पर्सनलाइज मेडिसिन, क्योंकि देखिए कुछ लोगों में पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ना वो साइड इफेक्ट का काम करती है, एंटीबायोटिक्स कुछ में साइड इफेक्ट का काम करते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए कौन सा जीन वहां पर रेजिस्ट कर रहा है या फिर कौन से जीन के कारण साइड इफेक्ट का इंपैक्ट हो रहा है, उन सबको कैलकुलेट करना, यही जो प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा मानव माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट भी चलाया गया। ये प्रोजेक्ट मेनली कैरेक्टराइज क्या कर रहा है, जो माइक्रोबायोम्स हैं, आप लोगों को यदि हिंदी में देखना है तो आप पॉज करके यहां पर देख सकते हैं, इज इट क्लियर। तो माइक्रोबायोम्स में क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन करना, जैसे अलग अलग जाति समूह हैं, लाइक 20,000 भारतीय के जो लार, सेलिवा, मल, स्टूल, जो एक्सक्रीटाज है, त्वचा, उनका संग्रह शामिल किया गया, उनके अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, राइट, उन पर स्टडी किया गया जीनोम, जीन वगैरह का। माइक्रोबियम का क्या इंपैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं, राइट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया रोग है, डिजीज एसोसिएटेड टू स्किन, लंग्स, लिवर, ये जो ओबेसिटी के पीछे क्या कारण है, इस प्रकार के जो जो है हमने ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, तो इस पर एक ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट तैयार किया। तो ये आपको माइक्रोबायोम का मतलब क्या है कि एक्सेस हाउ द कोर माइक्रोबायोम चेंज ड्यूरिंग डिजीज, हमारे शरीर में गट फ्लोरा में अलग अलग जीवाणु वगैरह होते हैं, राइट, जीवाणु का मतलब माइक्रोबैक्टीरिया,
ठीक है, तो वो किस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे जैसे इन माइक्रोबियम्स के फेवर की कोई चीज आती है, इनके बेनिफिट की है, तो वो उस तरफ मूव कर जाते हैं। यदि प्रतिकर्षित वाली या कोई हार्मफुल चीज है तो उससे वो दूर चले जाते हैं। तो अपने आप में माइक्रोबैक्टीरिया शरीर में, अलग अलग डिजीज में भी अलग अलग प्रकार के, तो न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट, कैंसर इत्यादि में क्या होता है, किस प्रकार मूवमेंट होता है, वो सब जो है ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार से जो ह्यूमन प्रोटियोम प्रोजेक्ट है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन है उसका मैप करना। देखिए, मानव शरीर में जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटीन की मदद से ही चल रहा है, तो इस प्रोटीन को प्रॉपरली प्रोग्नोसिस करना, थेरेप्यूटिक क्या इंपैक्ट हो रहा है, किस प्रकार का नया प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन ही कई सारे कैंसर को बनाने का काम करते हैं। कुछ में पर्टिकुलर प्रोटीन होता ही नहीं, इसलिए बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं। तो प्रोटियोम जो प्रोजेक्ट है वो मैप करना एंटायर ह्यूमन प्रोटियम टू मैप प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में प्रोटीन बेस्ड आर्किटेक्चर को पूरी तरह से ट्रैक करना। आई थिंक ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग अलग से डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका एक सेक्शन रह गया है। इसके अलावा इंडिजेन ह्यूमन माइक्रोबियम प्रोजेक्ट, राइट, और जो है हमने जीन ड्राइव और जीन साइलेंसिंग, साथ ही साथ में हमने जीन एडिटिंग और अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स वहां पर क्रिस्पर कैस, उन सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो यहां पर आपको एक्चुअल में क्या होता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, एक सरफेशियल सुपरफिशियल ऊपरी सतह पर एक बेसिक नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नो हाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज इट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है, जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच।